ऐसा तो सरकार है, सरकार को तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए पहले। गोली कैसे मरवा देगा, ये कोई गप हुआ? मुख्यमंत्री को जब डर है कि हमको गोलिये मार देगा तो जनता का क्या सोचेगा, ये बताइए। नहीं हुआ, आपकी बदलाव होना चाहिए। सरसों तेल जो है अभी 200 का किलो हो गया है। नेता तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी संभव है नेता के लिए। बाप का विरासत मिला इसीलिए ढेर बात करते हैं। नीतीश कुमार तो हमेशा कुछ न कुछ बकते रहते हैं, कभी दल बदल देते हैं, कभी अल्फाज बदल देते हैं, कभी कुछ से बार बार बदलते रहते हैं। तो इस बार भी बोले हैं तो कोई गलत थोड़ा की है, बोलने का तो उनका काम है, बोलते रहते हैं। ये शहीद स्मारक है, यहाँ 1932 में गोली चली थी और 14 व्यक्ति शहीद हुए थे। इस पर बाबू चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री इसका भवन बनाए, यह कौड़ी के भाव में इस व्यवस्था में बिक गई। नमस्कार, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। तारापुर में इस वक्त मौजूद हूँ, तारापुर विधानसभा क्षेत्र जहाँ उपचुनाव होना है। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये हटिया कहलाता है, तारापुर के बीच बाजार में है, हटिया कहलाता है। बहुत जगह से लोग यहाँ पर आते हैं, खरीदारी करते हैं और जाते हैं। आज लालू प्रसाद यादव का कार्यक्रम था तारापुर में, लेकिन उसके पहले कल नीतीश कुमार भी यहाँ आए थे, परसों आए थे नीतीश कुमार। और यहाँ से जाने के बाद कल उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। बयान यह है कि लालू यादव ने कहा था कि तेजस्वी ने अब उखाड़ तो दिया है, अब वो विसर्जन करेंगे। जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि विसर्जन ही क्यों कीजिएगा, गोलियां मरवा दीजिए, आप कर सकते हैं। लालू यादव आज आए थे? हाँ आए थे। कैसा रहा? हम लोग वहाँ, हम पर्सनली वहाँ देखने के लिए नहीं गए, हम आलू का दुकान है, हम आलू बेचते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम है राम कुमार चौधरी। वोट तो देवे ना कीजिएगा। अरे वोट तो देने हैं, वोट तो देने हैं, वोट तो जब हम भारत का नागरिक हैं तो वोट देने। हम सवाल ये है कि नीतीश कुमार कहे हैं कि गोलियां मरवा दीजिएगा, आप कर सकते हैं, हमको क्या करते हैं बोलने के लिए इसमें? माने क्या मतलब से कहे हैं? हम क्या बतावें, हमको क्या वोट देना है तो 30 तारीख को वोट देंगे, जिसमें मन होगा उसमें देंगे। हम काहे आपको बताएं किसमें देंगे वोट? हम नहीं पूछ रहे हैं आप किसमें दीजिएगा। कोई भी पूछिए, नीतीश कुमार पूछे कि लालू यादव पूछे कि बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछे, आज भी बोले तारीख को जिसका मन होगा उसमें दे देंगे वोट। कहानी खत्म है, जिसमें मन होगा उसमें दे देंगे वोट। क्या नाम हुआ? शशिधर साह। क्या बोलिएगा? नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि लालू यादव गोली भी मरवा सकते हैं। ऐसा तो सरकार है, सरकार को तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए पहले। गोली कैसे मरवा देगा, ये कोई गप हुआ? अभी हम बोलेंगे कि आप हमको गोली मार दीजिए, ये कोई गप हुआ? ये तो हुआ, ये शासन थोड़े हुआ। ये कैसी राजनीति चल रही है, ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है तो आप ही लोग बता सकते हैं। गोली मरवा दीजिए, ये पहले बोलने का कौन मकसद हुआ हमको, आप बताइए। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री को अगर गोली मार देगा तो जनता क्या करेगा? मुख्यमंत्री जब सुरक्षित नहीं है, जनता कैसे सुरक्षित है? मुख्यमंत्री को जब डर है कि हमको गोलिये मार देगा तो जनता क्या क्या सोचेगा, ये बताइए। देखिए, बता रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री को ऐसा डर है तो जनता क्या सोचेगी। क्या नाम हुआ? हरे राम कुमार। आज देखे लालू जी को? लालू जी को तो हम नहीं देखे, हटिया आए हुए थे, वो तब तक मैं भाषण देकर के चले गए। सुना आपने? नहीं, हमने नहीं सुना। बता के यहाँ भी बोले हैं कि विसर्जन करने आए हैं? बोले होंगे, इस चीज़ को हम पब्लिक न्यूज पे हम देखे थे, बोले 1 घंटा पहले लालू विसर्जन करेंगे और नीतीश को कुछ ये चीज़ शब्द में बोले थे। तो आप लोग को क्या लग रहा है, क्या मतलब से बोल गए? ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसे बोल दिया लेकिन सत्ता भी हार सकता है, ऐसा इस शब्द से यदि बोला जाए तो सत्ता भी पिछड़ सकता है। कड़ी टक्कर है, कड़ी लड़ाई है, क्या है यहाँ पर तारापुर में? लड़ाई तो यहाँ पे ज़्यादा अक्सर जदयू का ही है और इस शब्द से कुछ न कुछ टुटाव हो सकता है। इस शब्द से कुछ टुटाव किस मतलब में, कैसा टुटाव हो सकता है? थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज आ सकता है, जैसे गोली मारने की बात किया है ऐसे शब्द में हो सकता है। हाँ, बोले तो हैं कि गोलियां मरवा दीजिए। इस शब्द में देखिए, अब हम तो नहीं कह सकते हैं, नहीं सुने हैं, लेकिन पब्लिक न्यूज़ पे हम देखे हैं जो सच्चाई है। न्यूज़ पर देखे,
और भी लोग मौजूद हैं। आज लालू प्रसाद का कार्यक्रम था तारापुर में, जी हाँ। कैसी भीड़ थी? भीड़ तो हम मोबाइल में देखे ठीक ठाक था। वो भीड़ ठीक ठाक था। परसों मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए थे, नीतीश कुमार आए थे, कैसी भीड़ थी उसमें? ये तारापुर की शहीदों की धरती है, यहाँ वोट जो विकास करेगा उसी को मिलेगा। और दूसरा नंबर अभी दोनों पर जो है ना कांटे का टक्कर है, फैसला अब 30 तारीख को हम लोग सब जिसको देना होगा देंगे, उसके बाद तो गिनते 30 तारीख को होगा, 3 तारीख को कांटे की टक्कर, कांटे का टक्कर है। 2 तारीख को मतगणना होना है, 3 तारीख को गणना है, 2 तारीख को। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बात करते हैं उनसे। आज लालू जी भी आए, परसों मुख्यमंत्री भी आए थे, क्या लग रहा है तारापुर का मिजाज? आपकी बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव। तो बदलाव तो पिछला बार भी कर रहे थे ना हुआ, आपकी बदलाव होना चाहिए। सरसों तेल जो है अभी 200 का किलो हो गया है, हम आदमी हो गरीब हो उससे पैसा पॉकेट से निकल रहा है, इसलिए बदलाव होना चाहिए। सबसे बड़ा है महंगाई का मार, महंगाई का मार है, उस पर बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो ये जो 2 सीट पर चुनाव हो रहा है, इससे क्या लगता है कि बदलाव हो जाएगा? बदलाव हो जाएगा, दोनों लालटेन ही जीतेगा, चुप साफ लालटेन साफ होगा, चुपे चाप लालटेन छाप, लालू जी भी आज बोल रहे थे एकदम। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम जय किशोर कुमार। कहाँ घर हुआ? तारापुर विधानसभा क्षेत्र। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में कहाँ? किस है बगल में 1 किलोमीटर पर। अच्छा, तारापुर यही पर, मतलब इसी विधानसभा क्षेत्र में गाँव है आपका। परसों नीतीश कुमार भी आए थे, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, यहाँ पहुँचे थे। आज लालू प्रसाद यादव भी आ गए। हाँ वो तो है, उनका काम है आना, जब मतदान है बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल के जाते हैं, वो तो वाजिब बात है, बोलना भी अनिवार्य है, देश का लोकतंत्र पर्व है, बोलना ही अनिवार्य है। तो सब आज अपना पार्टी का नहीं लुभाएगा तो जनता कैसे आगे की ओर बढ़ेगी? क्या पूछना क्या चाहते हैं आप? पूछना हम ये चाह रहे हैं कि आज लालू प्रसाद आए थे, बोल के गए हैं कि विसर्जन की बात करके गए हैं। उनकी बातों पर विसर्जन नहीं होगी, जनता की बातों पर विसर्जन होगा कि उदय होगा कि अस्त होगा, जनता जो चाहेगी वही करेगा। जो अभी व्यवसायिक का काम हो रहा है, हम लोग व्यवसायिक हैं या तो नागरिक हैं, 49 लाख रुपया मुंगेर में लूटा गया और 12 घंटा के दरमियान में ये सरकार ने आपको गिरफ्तार किया और वापस भी पैसा किया, वैसा सरकार को लाना है जो कि मेरा रक्षा करे जनता का, मुझे वैसा सरकार चाहिए, ये नहीं लूटने वाले की सरकार नहीं चाहिए मुझे। तो सरकार तो कह रहे हैं कि गोलियां मरवा दीजिए। अरे मरवा देंगे तो उनकी बोलने की क्षमता, मरवा देंगे नहीं मरवा दीजिए, मरवा दीजिए तो उनका अलग मानसिकता बोलने का, उनका हो सकता है उसमें ब्लड गर्म हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, जनता का तो नहीं हो सकता है, जनता सोच करके कुछ बोलेगा। नहीं लालू प्रसाद ने कहा जैसे कि विसर्जन का मतलब हुआ मूर्ति विसर्जन नहीं हो रहा है, बिहार देश विसर्जन नहीं होगा, विसर्जन होगा जनता के ऊपर, जनता क्या करेगा उनकी जिम्मेवारी है। कोई नेता कहने से विसर्जन हो जाना, गोली मार देना, वो अपने आप मुँह से किसी का तो ये किस मतलब से बोले हैं, क्या मतलब है? मतलब क्या है? उनका जो दिमाग हुआ, उनका बीमार है, हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया होगा, कुछ भी बोल सकता है जनता, कुछ भी नेता कुछ भी बोल सकता है, नेता कुछ भी बोल सकता है, जनता का कहना है, जनता को आकर्षित करने के लिए और उन्हें लुभाने के लिए। आइए और देखते हैं, आगे बाजार है, हाट है, और भी कई लोग हैं, देखिए क्या कुछ। मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है। चंद्रशेखर सिंह, हाँ। आज लालू प्रसाद जी आए थे, परसों मुख्यमंत्री भी आए थे। हाँ आए थे। कैसा टक्कर है? देखिए टक्कर तो ठीक है, तो जनता पर निर्भर है, जनता को जो सेवा करेगा उसी को जोर दिया जाएगा। तो बोले हैं कि विसर्जन करके जाएंगे तो लालू प्रसाद जी, देखो हम लोग तो जनता है, जनता जो विकास करेगा उसी पे ध्यान देंगे, जनता विकास को देख रही है। चलिए ठीक है, जनता विकास को देख रही है, बता रहे हैं। महेश, क्या नाम हुआ? महेश साहब। क्या मिजाज है तारापुर का? तो अभी मैंने दोनों तरफ तो एक नियम लग रहा है सर, एक नियम लग रहा है। आज लालू जी आए थे, बोले विसर्जन कर देना है, देखो क्या होता है सर, देखने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा बस के पास नहीं है ना, जनता है, आप तो जो आपका अधिकार है वो कीजिएगा। चलिए ठीक है, जनता देख रही है, और भी आगे और भी क्या लोग बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? विद्यानंद चौधरी।
क्या मिजाज है तारापुर का विद्या जी? हाँ, क्या मिजाज है तारापुर का? तारापुर का देखिए तो 30 तारीख को पता चलेगा। 30 तारीख को पता चलेगा? हाँ, चुनाव के दिन जी। लालू प्रसाद जी आज आए थे, इसके आने के पहले वहाँ बोल दिए हैं कि तेजस्वी ने तो करीब करीब उखाड़ दिया है सरकार को, अब वो विसर्जन कर देंगे। इस पर नीतीश कुमार बोले हैं कि विसर्जन क्या, गोली भी मरवा सकते हैं, गोली भी मर, गोलिए मार दीजिए। क्या बोलिए, क्या कहें? नेता तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी संभव है नेता के लिए। एक दूसरे को मारते मरते रहता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हो ही रहा है। नेता तो कुछ भी करवा सकता है, नेता भी मरता है, देखते रहते हैं आप लोग के नज़र में। जनता भी वही हाल है, जनता बेहाल है। क्या है, कहीं कुछ भी हो संभव है, नेता के लिए क्या है, मर ही रहा है लोग। चलिए ठीक है, किसके पीछे किसका सुरक्षा दे सकता है, कितना सुरक्षा किसको किसको दे सकता है, क्या बोलेंगे? क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है सर। क्या कहिएगा? हम कहेंगे कि सुशासन का सरकार है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तेजस्वी अभी बच्चा है, उनको समझ नहीं है कि सरकार कैसे बनता है, कैसे चलाया जाता है। वो विरासत में है, बाप का विरासत मिला, इसीलिए ढेर बात करते हैं। और नीतीश कुमार जो है अपना जो है सुशासन का सरकार चला रहा, बिजली है, हॉस्पिटल का व्यवस्था दुरुस्त है, आज लड़की जो है 8 बजे रात तक पढ़ने जाती है, ट्यूशन कोचिंग, ये सब तो व्यवस्था जनता को मिला है सर। बाकी तो घर घर में तो किसी को 1-2 लाख तो बांट करके नहीं दे देगा, किसी को 2 बीघा ज़मीन नहीं देगा, लेकिन जनता के तरफ में आज राशन मिल रहा है, आपका बिजली मिल रहा है, हॉस्पिटल का व्यवस्था दुरुस्त है। 15 साल पहले टीचर का व्यवस्था नहीं स्कूल में था, आज मानदेय पे ही है तो लड़की पढ़ रही है, लड़की तो बहुत आगे है। चुनाव है, पूरा सरकार उतर गया है तारापुर में, वो जनता जो है अपना विकास देखते हुए काम करेगी सर, और जदयू की जीत होगी सर। खैर, आप जनता हैं, अपनी राय इन्होंने बताई है, इसलिए कि विकास देख रहा है सर, विकास की बात कह रहे हैं, जनता विकास चाहती है और विकास हो रहा है ऐसा ये बता रहे हैं। चलिए और देखते हैं आगे। क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार सिंह। कैसा चल रहा है चुनाव का तारापुर में? ठीक ठाक चल रहा है। क्या लगता है कौन है भारी? भारी क्या बताया जा सकता है, तो इलेक्शन के बाद ना पता चलेगा। इलेक्शन के बाद पता चलेगा, चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है बाद में पता चलेगा, रिजल्ट तो बाद में ही होता है। लालू प्रसाद ने कहा है कि विसर्जन कर देंगे, विसर्जन करने आ रहे हैं, उसके जवाब में नीतीश कुमार बोले हैं कि गोली भी मरवा सकते हैं, क्या बोलिए? इस पर क्या बोला जाए, विसर्जन का मतलब क्या मतलब होता है विसर्जन का, आप बताइए ना, वही तो आज पूछ रहे हैं, हम क्या बताएं? नेता लोग का जो मन में होता है अपने बोलते नेता लोग कुछ से कुछ बोल देते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? राजवीर चौधरी। क्या लग रहा है तारापुर का, क्या मिजाज है? आप ही लोग ना बता सकते हैं क्या मिजाज है, हम लोग तो नहीं, आप लोग वोट देते हैं ना, वोटर है ना यहाँ पे? वोटर है लेकिन हम लोग इस सब में इसमें नहीं रहते हैं। चलिए बाबा, इसमें नहीं रहते हैं। क्या नाम हुआ? क्या है तारापुर का मिजाज? तारापुर का मिजाज तो अच्छा ही है, आरजेडी की तरफ है, आरजेडी की तरफ मिजाज है। जी हाँ, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जब बोला गया तेजस्वी और लालू के तरफ से कि विसर्जन करने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि गोली भी मरवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार तो हमेशा कुछ न कुछ बकते रहते हैं, कभी दल बदल देते हैं, कभी अल्फाज बदल देते हैं, कभी कुछ से बार बार बदलते रहते हैं, तो इस बार भी बोले हैं तो कोई गलत थोड़ी की है, बोलने का तो उनका काम है, बोलते रहते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आरजेडी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आरजेडी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, नेता का काम है बोलना। क्या नाम हुआ? पप्पू कुमार तांती है। कहाँ घर हुआ? गनेली, गनेली, गनेली विधानसभा क्षेत्र में है। जी 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 जी, वोट देना है ना 30 तारीख? जी देंगे। तो टक्कर कैसा है? टक्कर तो दोनों आमने सामने है, और नीतीश कुमार जी का, एसपी का, उन दोनों का सामने टक्कर है, अब देखा जाए जनता क्या कर रहा है।
नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि गोली भी मरवा सकते हैं लालू प्रसाद जी, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है सर, ऐसा कोई बात नहीं है, लोग ऐसे बोल रहे हैं लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, लोग ऐसे बोल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। माहौल लालटेन के पक्ष में है और चुनाव लालटेन जीतेंगे। नीतीश कुमार केवल भाषण किए, सरजमीन में कुछ हुआ नहीं, जैसे नल जल योजना हुआ या शिक्षा के बारे में भी हुआ, या तो बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य का काम हुआ है, सड़कें बनी है, बिजली के एक और टेबलेट नहीं मिलता है हॉस्पिटल में, तो कहने का तो अभी सत्ता में है, कुछ से कुछ बोल रहे हैं लेकिन चुनाव परिवर्तन कर देगा, इसीलिए मैंने जैसे विसर्जन का बात हो रहा है तो उनको चुनाव से विसर्जन किया। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि गोलियां मरवा दीजिए जी, नहीं ऐसा वो नहीं कहेंगे और इतना वो अभी घबराए हुए नहीं हैं, चुनाव जीत रहे हैं लालटेन, उनका तेजस्वी जी भी काफ़ी लड़का लोग उनको मान रहे हैं कि हमारे नेता आने वाले दिन में यही होंगे और उनके पक्ष में। चलिए ठीक है, पक्ष की बात बता रहे हैं, क्या लग रहा है? संघर्ष बड़ा तगड़ा है, कौन जीतेगा हारेगा यह हम लोग को कहना मुश्किल, जनता जो करेगी वही होगा, जनता जो कहेगी वही होगा, वोट देगा तब ना, वोट देने पर ही पर परिणाम होगा। टसल बहुत हार्ड है, टसल आसान नहीं है, हार्ड है। इतने के बीच में आप पहले आदमी मिले जो बता रहे हैं टसल हार्ड है, ये लोग तो बता रहे हैं कि एकदम, ये नहीं कह सकते हम, चूँकि हम फिर घूमते नहीं हैं, बूढ़े आदमी हैं, जो अखबार देखते हैं उसी के आधार पर बोलते हैं। अच्छा, जो खबरें दिखाई जाती है उसके आधार पर बोलते हैं, क्या लग रहा है? लग रहा है तो आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं स्थिति क्या है, कुछ कहना बहुत अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कि अब तो निकट में हम लोग मतदान करेंगे, इस क्षेत्र की जनता करेगी। हाँ, 30 तारीख को मतदान है। हाँ, 30 तारीख को, 2 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा। हमारा ये कहना है कि जनमत को कब तक दबाएंगे? इस बेईमानी की व्यवस्था से EVM के नाम पर पहले होता था कि बैलेट लूट लिया जाता है, अभी तो पहले से सेट कर दिया जाता है, पहले ही अभी मॉक पोल जो होगा, अब कितने लोग समय पर आएंगे कि नहीं आएंगे, हो गया 50, अब 50 402 बूथ है इस क्षेत्र में, 50-50 आप लेते हैं तो 20,000 वोट उसको तो पहले मिल गया, लेकिन उसका भी माने इस बार रहने वाला नहीं है, और रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। ये शहीद स्मारक है, यहाँ 1932 में गोली चली थी और 14 व्यक्ति शहीद हुए थे, इस पर बाबू चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री इसका भवन बनाए, यह कौड़ी के भाव में इस व्यवस्था में बिक गई, खरीदारों ने खरीद लिया, हम लोग जबरदस्ती इस शहीदों की रक्षा करने के लिए हैं। चलिए, शहीदों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, भवन की रक्षा कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ विजय कापरी, मैं प्रमुख संग्रामपुर रहा हूँ और हमारी उम्र 87 वर्ष है। चलिए, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, क्या लग रहा है, क्या चुनाव में क्या होगा? हमारा नहीं सुनते, नहीं सुन पा रहे हैं बाबा, थोड़ा लाचार हैं। चलिए, कुछ लोग और हैं उनसे भी मिल लेते हैं, सेब बेच रहे हैं, इनसे भी पूछते, क्या नाम हुआ? नाम श्रवण कुमार। आज लालू प्रसाद आए थे, भाषण सुने क्या? हम तो नहीं जा सके थे लेकिन हेलीकॉप्टर से आए थे। नीतीश कुमार जी भी आए थे परसों नीतीश कुमार भी आए थे। तो नीतीश कुमार तो अब कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव गोली भी मरवा सकते हैं, ये सब नेता लोगों का कहने का काम है, किस मतलब में कह रहे हैं? अब ये हमको क्या पता। चलिए, तो सुना आपने ये तारापुर का मिजाज, लोग बता रहे थे, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, लोगों ने जो बातें कही उससे निष्कर्ष साफ ये पता चल रहा है कि उनका कहना है कि नेताओं का काम है, बोलते रहते हैं, कुछ से कुछ कह देते हैं, उन पर उनका ध्यान नहीं, उनका ध्यान वोटिंग पर है और 30 तारीख को जनता उन्हें जवाब देगी। देखते रहिए लाइव सिटीज, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, धन्यवाद।